नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक में मंगलवार को दिन दहाड़े डकैती हो गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 8:45 पर नकाबपोशों ने बैंक में घुसकर मैनेजर को लहूलुहान कर दिया और बाकी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर लूट को अंजाम दिया गया। इस लूट में 5 करोड़ से अधिक की डकैती बताई जा रही है। पुलिस ने सूचना मिलते ही जिले भर में नाकाबंदी लगा दी और बैंक को फॉरेंसिक के हवाले कर दिया। कुछ लोग अज्ञात बदमाशों के द्वारा डकैती करने की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल जो है यहां बैंक में मैं भी आया और हमारी टीम के द्वारा सभी लोग आए, वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए और घटना को देखा गया। उसमें पता चला कि उनके बैंक मैनेजर के जांघ में चाकू मारा है और स्टाफ को बंधक बना करके उनके द्वारा लूटपाट की घटना की गई और वो फरार हो गए हैं। और पतासाजी के लिए हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित किया है, इसमें हम लोग अभी इस दिशा में काम करना शुरू किया। अभी अमाउंट वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कैलकुलेट होने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा। हाँ, रकम की अभी पुष्टि उन्होंने नहीं किया है, वो होते ही हम आपको सूचना देंगे। बैंक कर्मियों के बताया अनुसार लगभग 6 से 7 आरोपियों की ये संख्या बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राहियों द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। गौरतलब है कि इस योजना में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। अभी तक इस योजना में 2643 मरीजों को 79,57,00,000 रुपए की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में और आधुनिक उपकरणों की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि सिर्फ 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा करने से नहीं होता। जरा बताएं कि छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों में इतना उत्पादन होता है। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चावल खरीदी में बायोमेट्रिक पद्धति का स्वागत करते हुए राज्य सरकार के विरोध पर कहा कि इससे धान और चावल की तस्करी नहीं हो पाएगी, इसलिए राज्य सरकार बायोमेट्रिक नहीं चाहती। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, राज्य खाद्य सुरक्षा कानून का 5 किलो, उसका 5 किलो और 5 किलो कोरोना का, उस दौरान मिला 10 किलो लोगों को। ये 5 किलो चावल किसका गायब हुआ, कौन खाया उसको? माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराने घोषणा करेंगे क्या? 13,000 दुकान स्वीकार किया उन्होंने कि कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ बोलते हैं, कभी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ बोलते हैं, कभी सार्टेड पाया गया बोलते हैं। 24 मार्च को आप लोग विधानसभा कवरेज करते हैं, 24 मार्च को जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल में रखी जानी थी, षड्यंत्र पूर्वक 23 तारीख को 17 उपशम कर दिया गया उसको। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 13,000 दुकान में कितना सर्टेक पाया गया, वो कितने मूल्य का होता है, जमा करवाया गया तो कितनी मात्रा में जमा करवाया गया, किन लोगों से जमा करवाया गया, कितनी मात्रा बताए उसकी, वसूली हुई नकदी में तो कितने लोगों से वसूली हुई, उसका मूल्यांकन किसने किया, और 13,000 दुकानों का अचानक सत्यापन कितने दिन में हुआ। उसके बाद आपने घोषणा की थी कि अनियमितता के खिलाफ FIR करवाएंगे, तो यह भी आपको बताना चाहिए कि FIR करवाएंगे, क्योंकि महादेव सट्टा के खिलाफ मुख्यमंत्री जी सिलसिलेवार बयान देते हैं, हमने इतने FIR किए, इतने चलान किए, इतने रेड कार्नर नोटिस किए, जैसे पुलिस का प्रवक्ता जैसे बयान देता है ना, उस तरह से। तो जब आप महादेव सट्टा के प्रवक्ता बन सकते हैं तो ये तो गरीबों के खदान से जुड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना राम वन पथ गमन परिपथ के अगले पड़ाव में मनेन्द्रगढ़ जिले के सीतामढ़ी हर चौका पहुंची। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जनकपुर में आयोजित हुए रामायण महोत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। यहां उनके साथ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने रामायण महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा
कि हमारी सरकार उन उन स्थानों को चिन्हित कर उनको विकसित करने में लगी है जहां प्रभु राम के चरण पड़े हैं। ये हमारी सरकार वो काम नहीं की कि चप्पल बांटो, टिफिन बांटो, मोबाइल बांटो, ये काम नहीं। सीधा पैसा आप अपने पसंद से आप जूता चप्पल भी खरीदे, कपड़ा भी खरीदे, मोबाइल भी खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे, ये आपकी पसंद से होना चाहिए। ये काम हम लोगों ने किया है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की और उसके साथ साथ जितने भी स्कूल हैं उसके लिए 2000 करोड़ रुपया हमने दिया ताकि स्कूलों का संधारण हो सके, जीर्णोद्धार हो सके। हमारे बच्चे जो विद्या के मंदिर कहते हैं वो सुंदर बने, वो कोशिश ये भी है कि सारे स्कूल हमारे अच्छे बन पड़े। तो विद्या मंदिर हमारे होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगातार काम हो रहा है। एक तरफ हमारे जिला अस्पताल, हमारे PSC CSC ये मजबूत हो, हाट बाजार क्लिनिक योजना भी हम लोगों ने शुरुआत की है ताकि गरीब लोगों को भी इलाज आसानी से मिल सके, मुफ्त में इलाज हो, दवाई हो, जांच हो, ये काम हम लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ PCC में घोटाले और विसंगतियों का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री OP चौधरी ने अखबारों में छपी खबरों को भी साझा किया। चौधरी ने कहा कि PSC के परीक्षा परिणामों में भारी विसंगतियां सामने आई हैं, जो दर्शाता है कि ये कारनामे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में ही हो सकते हैं। इसमें आंसर्स में जो अंक दिए गए उसको देखना समझना बेहद जरूरी है। उस दृष्टिकोण से PSC ने शायद जो व्यवस्था निर्मित की है, डिटेल में PSC को भी जवाब देना चाहिए। जो इसमें जो व्यवस्था निर्मित की है उसमें 3 लोगों का अंक दिया जाता है। एक एग्जामिनर अंक देता है, दूसरा डिप्टी हेड एग्जामिनर अंक देता है और तीसरा हेड एग्जामिनर अंक देता है और उनका शायद एवरेज किया किए जाने का सिस्टम PSC ने बनाया हो। बट जितने भी आंसर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामने आ रहे हैं उन सब में एग्जामिनर डिप्टी हेड एग्जामिनर डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों द्वारा एक ही बराबर 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 अंक दिया गया। तो जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि आंसर शायद जांच ही नहीं किए गए, जांच किए गए तो केवल औपचारिकता के लिए किए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लोग सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेश्चन के आंसर को जांचें और तीनों के द्वारा बराबर 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 दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जिला स्तरीय भेंट मुलाकात के दौरान बीजापुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने 130 करोड़ की राशि से निर्मित संरचनाओं का लोकार्पण किया और 334 करोड़ की अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने यहां जनजातीय खेलो इंडिया नेशनल प्रतियोगिता के हिस्सा रहीं खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहाँ जिला अस्पताल बीजापुर का नामकरण महादेव राणा के नाम पर करने की भी घोषणा की। पिछले सरकार में गरीबों को राशन तक नहीं पहुंच पाता था, अंदर के क्षेत्रों में कोई राशन कार्ड नहीं, कोई सामग्री नहीं, कार्ड ही नहीं था तो राशन मिलता कहां। मैं कलेक्टर साहब से पूछ रहा था इन 5 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्रों में 20,000 राशन कार्ड बने, चावल पहुंच रहा है, नमक पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, शक्कर पहुंच रहा है, गुड़ पहुंच रहा है, लोगों के जॉब कार्ड बने। आज 28 अस्पताल आपके खुल गए हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजनाएं शुरू हो गई है। पहले बस्तर में, बीजापुर में उल्टी डायरिया से लोगों की मौत हो जाती थी, मलेरिया से मौत हो जाती थी, आज अस्पताल खुल गए हैं, इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर तैनात हैं, बीजापुर में ऑपरेशन हो रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए कल तक। रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।